गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं ज्योति माथुर राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस सी एस थ्री जीरो टू उसके यूनिट नंबर सेवन से लिया गया है फॉर्मेडेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं कौन कौन सी स्ट्रीम्स स्ट्रीम क्लासेस हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं तो दीज टू सप्लाई इनपुट और डिस्प्ले आउटपुट इन यूजर डिजायर्ड फॉर्मेट में अपना इनपुट और आउटपुट दे सकता है अगर आपको आउटपुट कुछ अपने फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं आप करेंगे कैसे ये फॉर्मेटिंग कैसे होगी ये तीन तरीके से पॉसिबल है uh, एक तो आप आई यू एस क्लास के फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं आई यू एस क्लास फंक्शन एंड फ्लैग्स इसके इनके थ्रू कर सकते हैं आप मैन्युपुलेटर्स के थ्रू ये फॉमेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पॉसिबल हैं या एक यूजर अपने खुद के भी फंक्शंस क्रिएट कर सकता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए ठीक है तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम आज आई यू एस क्लास के कुछ फंक्शंस और फ्लैग्स के बारे में देखेंगे ये कौन कुछ फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इसमें ये फंक्शंस हैं इनको यूज करके हम फॉर्मेटिंग कर आ, अभी देखेंगे करके कुछ एग्जांपल्स इनके देखेंगे सबसे पहले जो आई यू एस क्लास होती है इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन दैट कुड बी यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट इन अ नंबर ऑफ ईस आई यू एस क्लास के कई फंक्शन हैं, जिनकी हेल्प से आप फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो यहाँ आपको टेबल में दिखाई दे रहे होंगे पहला फंक्शन है विड्थ फंक्शन इससे इसका यूज़ क्या है इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड फील्ड साइज़ फॉर डिस्प्लेइंग एन आउटपुट वैल्यू आप ये चाहते हैं मान लीजिए कि एक आउटपुट वैल्यू है आप उसको फिफ्टीन कैरेक्टर्स uh, में फिफ्टीन ब्लॉक्स में दिखाना चाहते हैं फिफ्टीन कैरेक्टर का स्पेस आप उसमें रखना चाहते हैं

फिल फंक्शन है टू स्पेसिफाई अ कैरेक्टर दैट इज़ यूज टू फिल द अनयूज पोर्शन ऑफ अ फील्ड देखिए मान लीजिए आपने विद सेट कर रखी है फिफ्टीन लेकिन आप डिस्प्ले सिर्फ फाइव कैरेक्टर्स में ही कर रहे हैं अपना फाइव प्लेसेस पे डिस्प्ले हो रहा है बाकी के जो अनयूज स्पेसेस हैं जो एम्प्टी स्पेसेस हैं अगर आप उनको फिल करना चाहते हैं तो हम ये फिल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सेट सेटफ़ फंक्शन है आप कुछ फ्लैग्स हैं उनको सेट करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के लिए जैसे लेफ़्ट जस्टिफिकेशन का है राइट right जस्टिफिकेशन का है कुछ और फ्लैग्स भी हैं अगर आप उन्हें सेट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे सेट सेटअप फंक्शन अगर आप आपने जो फ्लैग सेट किया है उसे अन उसे रीसेट करना चाहते हैं वापस तो आप यूज़ करेंगे अनसेट सेट फ़ंक्शन अनसेट सेटफ़ फंक्शन ये कुछ फंक्शंस हैं अब एक-एक करके इनका सिंटेक्स देखते हैं देखिए सबसे पहले देखते हैं विड्थ फंक्शन का सिंटेक्स। अह वजह से पहले मैंने बता दिया आपको यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ अ वैल्यू टू बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट एट द कंसोल कंसोल पर जो आपका आउटपुट आ रहा है उसकी अगर आप विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं विड्थ फंक्शन ठीक है में लिखनी है आपको जो भी आप display, जो भी भी आप आप रखना चाहते हैं की. कितना कर रहे हैं आप वो वो वैल्यू है ये डब्ल्यू प्रोग्राम देखें इसका देखिए एक कैरेक्टर लिया है आपने कैर सी एच इज उसको इनिशियलाइज किया है ए से फंक्शन है विद क्योंकि आई यूएस क्लास का फंक्शन है इसलिए हम इसे फंक्शन से सी आउट out से आउटपुट कर रहे हैं डिस्प्ले कर रहे हैं इसलिए हम इसे सी आउट फंक्शन के साथ यूज सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं सी आउट हमारा ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ यूज़ कर रहे हैं इसे सी आउट डॉट विद ब्रैकेट में जो साइज है वो लिखी है हमने टेन अभी क्या करेगा टेन कैरेक्टर्स का स्पेस आपका ऑक्यूपाई करेगा टेन कैरेक्टर्स की लेंथ लेगा और फिर उसमें डिस्प्ले करेगा इस विड्थ फंक्शन में क्या होता है? जो output होता है है जो आउटपुट दैट विल बी प्रिंटेड इन फील्ड ऑफ W कैरेक्टर जो आपने W लिया है उतनी कैरेक्टर में आपकी आउटपुट प्रिंट होगा स्टार्टिंग और ये प्रिंट कहाँ से होगा राइट right एंड right right से राइट एंड ऑफ द फील्ड राइट साइड से प्रिंट होगा ये ठीक है जो एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे वो लेफ्ट तरफ में आपके रहेंगे और ये जो फंक्शन है इट कैन स्पेसिफाई फॉर द फील्ड विद फॉर ओनली वन आइटम एक सी आउट स्टेटमेंट के लिए ही ये वैलिड रहता है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आप एक सी आउट स्टेटमेंट से दूसरे सी आउट स्टेटमेंट पर भी इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको दोबारा विद सेट करनी पड़ेगी एक बार प्रिंट करने के बाद ये जो सी जो विद होती है इट विल बी रिवर्ट बैक टू द डिफॉल्ट जो उसकी डिफॉल्ट होती है उस पर वो रिवर्ट बैक हो जाती है एक ही स्टेटमेंट के लिए ये वैलिड होती है तो प्रोग्राम देखें जैसे हमने विद सेट कर ली टेन पर अब हम सी आउट कर रहे हैं सी CH एच को कैरेक्टर जो हमने ए इनिशियलाइज किया है उसको प्रिंट कर रहे हैं फिर हमने एक वेरिएबल और इनिशियलाइज कर रखा है आई इज इक्वल्स टू वन और उसको भी प्रिंट करा रहे हैं सी आउट आई आउटपुट देखिए इसका जब आउटपुट में हम देख रहे हैं तो विद जो हमने टेन सेट की है तो टेन कैरेक्टर का स्पेस हो गया आपके पास और ए जो प्रिंट हुआ है वो बिल्कुल राइट में जाकर आपका प्रिंट हो गया आउटपुट की स्क्रीन दिख रही है आपको ए ये प्रिंट हो गया ठीक है दोबारा जब हमने सी आउट आय किया है तो वो फर्स्ट कैरेक्टर से ही प्रिंट हुआ है उसके लिए अब हमने वृद्ध सेट नहीं किया है क्योंकि ये वृद्ध जो है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए एक नेक्स्ट इमीडिएट जो सी आउट आएगा उसी के लिए वैलिड होगा अगर आपको दोबारा करना है तो उसको हमको दोबारा सेट करना पड़ेगा वृद्ध को ठीक है ये तो हमारा विथ फंक्शन हो गया फिल फंक्शन देखिए यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन फिल द अनयूज वाइट स्पेसेस इन अ वैल्यू टू बी प्रिंटेड एट द कोन् विद द कैरेक्टर ऑफ आर चॉइस आप जिस भी कैरेक्टर से आपकी एम टी स्पेसिस को या अनयूज स्पेसिस को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं सिंटेक्स देख लीजिए फिल और ब्रैकेट में सी एच ये जो भी आप लिख, जिस भी आप स्पेशल कैरेक्टर से आप प्रिंट करना चाहते हैं जिस भी कैरेक्टर को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं आप ए बी सी डी वन टू थ्री कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्पेशल सिम्बल यूज़ कर सकते हैं इसमें एम परसेंट एट द रेट जो भी आप यूज़ करना चाहें सिंटेक्स देखिए इसका देखिए हमने कैरेक्टर इनिशियलाइज किया है सी एच को ए से इनिशियलाइज कर रखा है अब हम फिल कर रहे हैं उसको एम हमारे ब्रैकेट से जो लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट जो होता है उससे प्रिंट अनयूज स्पेसेस को फिल करना चाहते हैं तो हमने वो लिखा है विड्थ हमने सेट की है टेन पर अब आप जब इसको प्रिंट कर रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू तो पहले तो जो विड्थ है वो हमने टेन लिया है तो टेन कैरेक्टर्स का ब्लॉक हो गया ए जो प्रिंट होगा वो राइट से प्रिंट होगा तो राइट प्रिंट हो गया और जो नाइन वो एम्प्टी स्पेसेस अनयूज्ड स्पेसेस थे उनकी जगह ये ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट हो गया स्टेटमेंट में ठीक है दोबारा हमने आई को इनिशियलाइज किया है वन से विड्थ को आपने दोबारा रीसेट किया है फाइव पर और आई को प्रिंट कर रहे हैं ठीक है तो अब फाइव कैरेक्टर्स का स्पेस होगा

जो भी डेसिमल के बाद में आप कितने डिजिट्स चाहते हैं वो आप इस फंक्शन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं फंक्शन का सिंटेक्स है प्रिसीजन इन नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी डिजिट्स तक आप चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं अ सेटिंग इन अफेक्ट अंटिल इट इज़ रीसेट देखिए जो फंक्शन है वो आपको हर स्टेटमेंट के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा लेकिन फिल फंक्शन है और प्रिसीजन फंक्शन है ये इनकी सेटिंग्स आप जब तक खुद रीसेट नहीं करेंगे तब तक जो आपने एक बार सेट कर दी वैसे ही रहेंगी ठीक है यूज देखिए इसका फंक्शन है आपका आईओ एस क्लास का फंक्शन है सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं सी आउट डॉट प्रसिजन आपने लिखा है ब्रैकेट में फोर फिर आप ये तीन स्टेटमेंट है स्कोयर रूट थ्री पॉइंट वन फोर वन ये प्रिंट कर रहे हैं टू पॉइंट फाइव जीरो जीरो थ्री टू ये प्रिंट कर रहे हैं तीन सी आउट स्टेटमेंट्स हैं देखिए इसमें आप जो कंपाइलर यूज करेंगे ना उस पर डिपेंड करेगा कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जो डेसी जैसे आपने यहाँ प्रिजन ब्रैकेट में फोर लिख दिया तो ये थ्री तक प्रिंट करेगा क्योंकि इसने डेसीमल को काउंट किया है ठीक है डेसीमल को मिलाकर फोर डिजिट्स इसलिए आगे फोर वन फोर आया है स्क्वायर रूट में कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जिसमें आपने जैसे प्रिसीजन के ब्रैकेट में फोर लिखा है तो डिजिट्स डे अपार्ट फ्रॉम दी डेसीमल डेसीमल को छोड़ के चार डिजिट तक प्रिंट करेंगे तो ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं ये जो कंपाइलर मैंने यूज़ किया है ये डेसिमल के साथ काउंट करके चार डिजिट प्रिंट करेगा तो एक तो डेसिमल हो गया और उसके बाद की तीन डिजिट हो गई टोटल फोर पॉइंट्स हो गए तो ये आ गया स्क्र रूट फोर वन फोर आगे हमने सी आउट किया है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन तो ये वन फोर टू है क्योंकि इसने राउंड ऑफ कर दिया आगे फाइव है तो अगर आपकी लास्ट डिजिट और ग्रेटर देन है तो आगे एक जुड़ के राउंड ऑफ कर देंगे वैल्यू को आप तो ये हो गया थ्री पॉइंट आपका सी आउट स्टेटमेंट है इसमें आपने लिखा है टू पॉइंट फाइव डबल जीरो टू तो ये इसने प्रिंट किया है टू पॉइंट फाइव जीरो क्योंकि इसने जो ट्रेलिंग थी लास्ट वाली zeros थी उनको ट्रंकेट कर दिया है ये है हमारा प्रिसीजन फंक्शन

फॉर्मेटिंग फ्लैग्स वो फॉर्मेटिंग फ्लैग है जो आपके आई यू एस क्लास के अंदर डिफाइन है और ये ये बताता है कि आपको क्या एक्शन करना है क्या रिक्वायर्ड एक्शन आपको परफॉर्म करना है ठीक है सेकेंड नंबर वाला जो आर्ग्यूमेंट टू है ये बिट फील्ड है और ये स्पेसिफाई करता है कि जो आर्ग्यूमेंट वन है वो कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है अनदर आई आई यू एस कॉन्स्टेंट

जैसे आपको लेफ़्ट जस्टिफाई करना है तो आपको आर्गूमेंट वन यूज करना है आई यू एस लेफ्ट और ये कौन सी क्लास का है कौन से ग्रुप के से बिलोंग करता है ये तो उसका ग्रुप है आई यू एस एडजस्ट फील्ड अब एडजस्ट फील्ड में लेफ्ट भी है आपके पास राइट right भी है इंटरनल भी है ऐसे ही फ्लोट फील्ड है अब आप उसको फ्लोट को फिक्सड में प्रिंट करना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके के हमारे फ्लोट फील्ड हैं ये ऐसे ही बेस फील्ड हैं कि डेसीमल है ऑक्टल है हेग्जा है है उस तरीके से सिंटेक्स देख लेते हैं किसका भी देखिए इसमें तीनों फंक्शन एक साथ यूज किए हैं पहले फिल फंक्शन है उसमें हमने लिखा है एस्ट्रिस्क एस्ट्रिक्स से प्रिंट करना चाहते हैं हम अनयूज्ड स्पेसेस को विड्थ सेट किया 15 पर और सी आउट स्टेटमेंट लगाया है पहले टेबल वन तो आप uh, टेबल 1 प्रिंट हो रहा है विड्थ आपने सेट किया राइट मोस्ट से प्रिंट होगा राइट एंड पे जाके प्रिंट होगा तो टेबल वन प्रिंट हो गया और बाकी जो भी अनयूज स्पेसेस थे वो एस्ट्रिस्क से फिल हो गए ठीक है दोबारा इन्होंने फिल को रीसेट किया है एम परसेंट से विड्थ की वैल्यू है फिफ्टीन सेट की है अब ये जो फ्लैग सेट किए हैं इसमें हमने लिखा है आई ओ एस लेफ्ट और एडजस्ट फील्ड ये वाले ग्रुप से एडजस्ट फील्ड ग्रुप से हमने फ्लैग यूज़ किया है लेफ्ट अब लेफ़्ट क्या करेगा इसको लेफ्ट में प्रिंट करेगा जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं वैसे तो जब आप वर्द सेट करते हैं तो वर्द जो भी सेट हुई है उसके राइट मोस्ट कॉर्नर पर जाकर आपको राइट मोस्ट कैरेक्टर्स पे जा आपको प्रिंट करना है ब्लॉक्स पे जाके लेकिन अब यहाँ हमने चूंकि आई यू एस लेफ्ट सेट कर दिया तो जो प्रिंट होगा वो लेफ्ट में होगा तो ये टेबल वन लेफ्ट में प्रिंट हो गया और जो एम टी स्पेसिस थे वो एमपसन से फिल हो गए ठीक है तो ये सेंटेक्स ये हो गया हमारा फ्लैग फील्ड और रिटर्न जीरो तो आपने लिखा ही है ये फ्लैग्स हैं अब ऐसे ही जब आपको अनसेटफ यूज़ करना है तो आप सेटफ की जगह अनसेटफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि विद फंक्शन क्या है फिल फंक्शन क्या है प्रिसीजन फंक्शन क्या है और फ्लै सेट फ्लैग और अनसेट फंक्शन क्या है अब आगे आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये मैन्यूपलेटर्स क्या हैं और यूज़र डिफाइंड आउटपुट फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड मैन्यूपलेटर्स आप कैसे बना सकते हैं ठीक है थैंक यू